तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, अभी घर पे हैं और मामू वामू आने वाले हैं, तो मम्मी कुछ खाना वाना बना रही हैं। अभी कुछ लेने जाएंगे तो देखते हैं, फिर आ जाए, फिर उसके बाद हम निकल लेंगे। और कहाँ निकलेंगे, कहाँ घूमेंगे आज के दिन, तो देखते हैं, बने रहिएगा साथ में। और अभी सुबह कुछ सामान लेने के लिए गए थे बाहर, तो एक बिल्ली रास्ता काट गई, लेकिन बिल्ली सफ़ेद रंग की थी। कुछ हुआ नहीं, गए सामान लिया इधर उधर, कुछ थोड़ा बहुत खाया पिया सुबह के समय और वापस आ गए। लेकिन बहुत लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट जाती तो ऐसा हो जाता ऐसा हो जाता, लेकिन कई बार हमने देखा, एक दो बार बिल्ली काट चुकी है रास्ता, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि भाई काली बिल्ली है, हरी बिल्ली है, पीली बिल्ली है, तो ये अपना अपना परसेप्शन है। लेकिन हो सकता है भाई किसी धर्म वाइज बिल्ली काटती हो तो असर होता, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ धर्म से ही जुड़ी रहती है। और एक दो कमेंट अभी आए थे कि मैं मैच देखने बाहर से आ रहा हूँ, मैंने टिकट बुक कर लिया है। तो मैं बता दूं कि जो स्टेडियम है उसके अंदर कोई फैसिलिटी नहीं, यहाँ तक आपकी जेब में जो सिक्के होते हैं 1, 2 रुपये, 10 रुपये, वो भी निकाल के आपको रखने पड़ते हैं, वापस नहीं मिलते हैं। कंघा, लिपस्टिक, वैसलीन, तेल, पाउडर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, सिर्फ जो पेपर नोट है उसको छोड़ के आपकी जितनी भी चीज़ें होंगी जो कि हार्ड मेटल की होंगी, वो सब आपको बाहर रख के जानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपके पास या तो कार है तो उसमें रखिए, वरना इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ले के मत आइएगा, क्योंकि स्टेडियम के अंदर रखने की कोई फैसिलिटी नहीं है और आपको बाहर छोड़ना ही पड़ेगा। फिर वापस आके देखेंगे, अगर मिल गया तो आपकी किस्मत है, वरना मैक्सिमम चांसेस यही रहती है कि जो रखा वो फिर मिलता नहीं है। ये वाला, और मेरा एक पुराना मोबाइल था तो उसको कैशिफाई पे निकालना है, कभी आज तक यूज़ नहीं करा, तो देखते हैं कि कैसी सर्विस है, कितनी देर बाद वो मोबाइल उठाने आएंगे। तो वेबसाइट अभी बस ओपन करी है सिस्टम पे, और यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको पूरा फिल कर लेते हैं और देखते हैं कैसे फाइस है, कैसा रिस्पांस मिलता है, तो उसकी रिव्यू भी आपको मिल जाएगी आज। तो ये मॉडल था, ये देख सकते हैं, और ये प्राइस पे सेल आउट हो रहा है। कुछ लिया भी 14-15 का था, बिल तो नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। तो देखते हैं, यहाँ से सेल नाउ पे क्लिक करते हैं और फिर बताते हैं इसकी सर्विस कैसी है और कौन आता है, क्या चेक करते हैं वो लोग, ये भी बताएंगे आपको। जो पिकअप स्लॉट है वो मंडे का है, तो मतलब तो सेम डे में पिक नहीं होता है, यहाँ देख सकते हैं टाइम और डे आ रहा है, तो हमको वो किसी दूसरे एड्रेस पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा संजय भाई की दुकान पास, क्योंकि जो मेरा घर का एड्रेस है उस पे पिकअप है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस स्लॉट बुक कर देते हैं और फिर मंडे को देखते हैं कौन आता है, क्या चेक करते हैं। और इसमें कैश हैंड टू हैंड देने का ऑप्शन भी नहीं है, कुछ ऑप्शन दिए हैं पेमेंट के, उसी तरह से आपको कैशिफाई के थ्रू से पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ UPI सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो यहाँ ऑर्डर को कंफर्म करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब हंदे की चौकी पे सिर्फ एक नॉनवेज पॉइंट है, गुलजार होटल। भीड़ लगी हुई थोड़ी, रोड रोड बन रही है, कैमरा वैमरा लग गया है हंदे की चौकी पे। यहाँ भी चालान कटेंगे, ज़्यादा ही जाम लग रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वजह से रास्ते को ब्लॉक कर रहे हैं। और ये है गुलजार होटल, एक हफ्ते बाद, ईद के बाद आज खुला है। तो शीरमाल लेने आए हैं, यहाँ से शीरमाल ले लेते हैं फिर निकलते हैं। एक दुकान है अंधे की चौकी पे, ये रहा है हमारे चचा, बहुत पुराने हैं। कितने हो गए, 10-6 हुए पक्का। चलिए अब रोटी लेके निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं कौन कौन घर आया है। मेहमानों आने में अभी टाइम है, जब हम सारा खाना टेस्ट करके देख ले रहे हैं कि कैसा बना है।
बढ़िया बना हुआ है, खा लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनानी है आज। क्या तुम सीधे सीधे चौकी वाला देखिए, हमारे मामू मामू आए हैं, आधे खाने में टूट पड़े, दिन में आना था और सब शाम को आए। कहाँ थे? सब दुनिया देखे, रास्ता भूल गए थे तो फोन तो कर लेते, चलिए खाना पीना हो जाए फिर। 9-10 दिन बंद रहता है सब, उससे बहुत परेशानी होती है, तो ये तो कम नहीं को आज खालो, आप जान खाना खालो, बिस्मिल्लाह करिए। हम खा चुके हैं, नहीं हमने पता था आप लोग आएंगे नहीं, देर में आएंगे, हमने कहा पहले खा लो, हमने टेस्ट कर लिया पहले ही। शाम 6 बज रहे हैं, सब लोग वापस जाते हुए। मामू पिंक कलर की गाड़ी, लड़कियों वाला कलर, लड़कियों वाला कलर पसंद आया। चलिए फिर बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए। आज पूरा दिन घर पे ही रहे, सब चले गए, शाम को निकलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं कोई है कि नहीं मोहल्ले में, कोई है तो क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है तो कहाँ है। क्या लेके जा रहे हो यार अकेले अकेले? निर्मा निर्मा कपड़ा धोने जा रहे हो क्या? कहाँ चलने को कहा तुमने? कल पेट बहुत भर गया था ना, इसलिए खाने के लिए गए नहीं। शाम का समय है, पूरा दिन निकल गया आज, कल जाना है पतंग उड़ाने, तय कर ली है। गाड़ी खड़ी है, देखिए दूसरों के घर में झांक रहे हैं, अपना घर छोड़ के, ये घर है फैसल भाई का, ये दूसरा। क्या झांक रहे हो ये दूसरों के घर में? क्या है सोई बट रही क्या दवा? ये आमिर भाई की शॉप है, मोहल्ले की शॉप, आमिर भाई AK मिनी स्टोर। देखिए QR कोड लगाया था, बच्चों ने यही फाड़ दिया, कहने लगे आमिर भाई ऑनलाइन पेमेंट ना करे, कोई सारा कैश का धंधा करे। और आमिर भाई ठीक है? क्या खिला रहे हो सर? जो खाना खा लो जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, ऐसा क्यों जल्दी क्यों ले लो, पैसा करने जा रहे हो? नहीं भैया कर दो, तुम नहीं खाना, तो अभी कहा पी के निकले। हाँ बताइए आमिर भाई, सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल, धुआं ही धुआं। और ये रह रियान भाई, मच्छर भगाने के लिए धुआं बहुत कर दिया है, बहुत ज्यादा धुआं कर दिया, अंदर तक जा रहा है धुआं। देखने के लिए कैमरे में आ रहे कि नहीं आ रहे, कैमरे के इधर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कैमरे को उधर दिख नहीं रहे, चेहरे सामने नहीं किया जाता, ये सब क्या कह रहे हो, सब उंगलियां क्यों दिखा रहे हो, क्या है ये, उंगली कौन दिखाता है? ये दिखाते गाइस, मोबाइलो कुछ बोलोगे अब तुम, कैमरे पे लाइव हो, दुनिया तुम्हें देख रही, कुछ बोलो तो, देख रही तो सही है। अरे तुम कुछ क्या करा तुमने? ये दांत में दवाई कीड़े, आज हमने ब्रश किया सुबह और दांत में अभी तक कीड़े लगे, भूल गए। हां कहां किया गया? टीथ में। हां टीथ में, फिर ड्रेस पहने, अच्छा फिर टिफिन रखा, फिर वैन आई, नहाई नहीं, वैन से कहां जाते हो? वैन से जाते हैं, नहाई नहीं थे तुम, नहाई नहीं, ये बताओ भाई तुम नहाए कि नहीं नहाए? नहाए थे सुबह, रोज हर वक्त आई है, आधा रोज है जब भरा रहता है, अच्छा पानी वाला टब है, इधर रहो तो इधर क्यों खिसक रहे हो?
फिर उसके बाद फिर स्कूल गए। हाँ। मैं असेंबली हुई। हाँ। क्लास में गए, फिर पेपर किया, पेपर हुआ, छुट्टी हुई, घर आ गए, फिर पतंग उड़ाई, सीधे जाते क्या, सीधे पेपर दे दिया, इंग्लिश इंग्लिश पेपर, अंग्रेजी को या इंग्लिश को, इंग्लिश। तो टीचर तुम्हारे स्कूल में अच्छी अच्छी टीचर है? अनम मैम, जोरा मैम। कौन सी अच्छी है, अनम या जोरा? अनम। अनम ज्यादा अच्छी है, मेरी क्लास टीचर है सेकंड क्लास। और वो वीडियो देख रही होंगे, क्या कह रही होंगे, जोरा मैम हमको हमारी तारीफ नहीं कर रहे? अरे तारीफ कर रही हूँ, मेरी क्लास टीचर है, मेरे स्कूल की सारी टीचर अच्छी है। अब अभी तो तुमने सिर्फ अनम और जोरा मैम को बताया, अब तुम कह रहे हो सारी अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी होंगी। कौन सी अच्छी ज्यादा है ये बताओ? अनम मैम को पसंद करते हो क्या? नो भाई, वो मेरी क्लास नो भाई, प्यार तो नहीं करते हो? नहीं भाई। उनको रॉकेट तो नहीं मारते हो? नहीं भाई। आई लव यू तो नहीं बोला तुमने कॉपी में लिख के तीसरे पन्ने पे, आई लव यू अनम मैम? और अनम मैम जब आए तो हमसे मिला ना, देखे तो मतलब तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पे तो भरोसा आई नहीं, हम लोगों को सर पूछ रहे थे। हाँ, हम लोग यहाँ बैठे हैं और अनम मैम जब आएंगी तो ये बताएंगे कि अनम मैम कैसी, हम लोग देख के मतलब रिव्यू देंगे अनम मैम के बारे में, क्योंकि इन पे हम लोग को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि इनकी अनम मैम अच्छी है कि बेकार है, क्यों? ठीक है जी जी। सर है कोई स्कूल में? सर भी है, सलमान सर है। हाँ, सलमान है, शाहरुख, सलमान, शाहरुख, आमिर खान, संजय दत्त। स्कूल जाते हो या बॉलीवुड? शाहरुख सर, सलमान सर, सुनील दत्त, संजय दत्त, सनी सर, सनी देओल, बॉबी देओल, रणवीर कपूर, देवी देवल, देवी देवल, देवर है उनके यार, कही अभी क्या नाम है, देख रहे हैं सब वीडियो देख रहे होंगे जेठ है, जेठ जी गाइस। नहीं अब तुम तुम्हारे स्कूल जाएगी वीडियो, अब तुम बताएंगे तुम कैसे निकाले जाओगे। स्कूल का नाम क्या तुम्हारे? बीस वाली नहीं, हम तुम्हें पचास वाली पिलाएंगे। तुम सुनाएंगे रुक रुक के, क्या मतलब पानी पियोगे? एक एक सेवन वन सेवन पानी पी ले। अच्छा सुनाओ, अगर गलत हुआ तो स्टिंग वहीं से कैंसिल, ठीक? सेवन सेवन हाँ, सेवन टू फोर्टीन फोर्टीन हाँ, ये बस बेटा तुम्हारी स्टिंग कैंसिल, अब 7 21 अब खत्म हो गया, खत्म हो गया। इतनी देर में पूरी सेवन की टेबल हो जाती है, सेवन की टेबल अच्छा। नहीं हम तो सुना देंगे, हमें तो याद है, आप 100 का सुनाइए हमें, 100 का, 100 का तो और आसान है, 100 और आसान ले लो, कुछ जीरो का सुनाओ हमें, 10 का आता नहीं भाई, 10 का आता जीरो का आता जीरो का आता, जीरो 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 चार जीरो चार लगा दिया उसने। ओ भैया, ये हमारे मोहल्ले के रेहान भाई है। अच्छा स्कूल का नाम तो बता दो। अच्छा ये बताओ कैसा साल से पढ़ रहे हो? पब्लिक स्कूल। अच्छा इधर सुनाओ, तू फर्स्ट क्लास में कैसे साल से पढ़ रहे हो, सही से बताना। फर्स्ट क्लास 3 साल। 3 साल फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे? और कब तक पढ़ोगे, कई साल और? बस यार एक साल और पढ़ेंगे अभी, मतलब उम्मीद है कि एक साल और पढ़ेंगे, फर्स्ट मजबूत ना हो जाए तब तक, सेकंड में नहीं जाएगा तब तक, हाथ पैर ना जोड़ लें कि भैया तुम जाओ, जब तक तुम्हारी अनम मैम स्कूल में है तब तक तुम फर्स्ट में रहो, अनम मैम की उम्र को जाओ तब तक। अबे यार झूठ बोलते हो? नहीं कभी नहीं बोला, आखिरी झूठ कब बोला? आज अभी थोड़ी देर पहले। ये सुपारी क्यों खाते तुम? मैं सुपारी नहीं खाता। अच्छा अपने दांत दिखाओ, लोग तुम्हारे दांत देख ले कैसे काले हैं, ये देखो और खोलो, और खोलो दिखाए लोगों को पता चले दांत काले। हाँ ये देखिए ये दांत काले कैसे हुए बताओ, लोग जान सके। एक डॉक्टर थे, मुझे नाम नहीं पता, पापा ले गए थे। अच्छा। उनकी दवा रिएक्शन कर गई थी, मेरा बुखार चढ़ गया था बहुत तेज। तो देखिए भैया दवा से ऐसा भी हो सकता है, इनके दांतों पे असर हुआ, दांत काले हो गए थे, मजाक से हट के बात है। ये क्या कह रहे, कुछ और भी काला हुआ क्या पूछ रहे हैं? नो 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 नो, मजाक कहाँ कर रहे हो, सीरियसली पूछ रहे थे। अच्छा सारे दांत काले तब सफेद हो गए? नहीं टूट के नहीं। अच्छा टूट के नए लिख ले। तो कैसे तोड़े तुमने? बच्चों को उठा ला रहे इधर उधर से। क्या नाम है? हलीमा। हलीमा कौन सी, अर्तुगुल गाजी वाली? अच्छा वहाँ वाली। अच्छा इधर कॉलोनी वाली, हमें तो लगा अर्तुगुल गाजी वाली। दादा क्या नाम है? शफी अहमद। पापा का क्या? रेहान भाई। रेहान भाई, पापा का नाम रेहान भाई, और मम्मा का? भाभी। भाभी।
तो कल निकलना होगा पतंग उड़ाने के लिए। बहुत दिन बाद, वैसे पिछली बार जब गए थे तो बारिश, मौसम ख़राब था, लेकिन कल मौसम सही है और देखते हैं लड़ पाएंगे कि नहीं।